नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुलशी टेक न्यू पे। मेरा नाम है निशांत और आज की वीडियो होने वाली है उन बच्चों के लिए जो 16 से लेकर 18 साल की उम्र तक के हैं और जो है लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं। तो क्यों आप कौन सा लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, उसको अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या रहेगा, आप किस टाइप के व्हीकल्स चला पाएंगे और आपके लिए कौन से व्हीकल जो है इस उम्र में सबसे ज्यादा बेस्ट होने वाले हैं और कुछ रोमांचक जो है जानकारी आपको इस वीडियो में पूरी मिलेगी डिटेल के अंदर। तो वीडियो का जो है शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना और जरा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, अगर आप अभी 16 साल के हो या आपकी उम्र उससे 16 से 18 के बीच की है तो हाँ, आप जो है लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं या आपके आसपास की जो अथॉरिटी है आप वहां पर जाकर इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको www.parivahan.gov.in पे जाना होगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसे वहां पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आप जो व्हीकल्स चला पाएंगे वो आप नॉन गियर्ड व्हीकल्स चला पाएंगे जो 50 cc तक के हो। और दोस्तों अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल में दोस्तों आजकल ज्यादा मतलब सोच रहे हैं कि कौन से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप 16 से 18 की उम्र में चला सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल 25 से कम की स्पीड पे होते हैं आप उनको चला सकते हैं और उनके लिए कोई लाइसेंस की भी जरूरत नहीं होती। आपको जो है 16 ईयर वाला लाइसेंस भी नहीं चाहिए होता फिलहाल जो करंट डेट का सिनेरियो है। एंड आपको जो 50 cc तक की जो बाइक्स है वो आप चला पाएंगे इस लाइसेंस पे। एंड दोस्तों जहां तक मेरी जानकारी है आज की डेट पे आपको मार्केट के अंदर अगर पेट्रोल या व्हीकल्स में आप देखेंगे तो कोई भी स्कूटर या मोटरसाइकिल आपको नॉन गियर में 50 cc से नीचे का 50 cc तक का नहीं मिलता। तो भाई क्या करें, मतलब भाई आपको कुछ मोपेड्स खैर मिल जाएगी, मैं उनके बारे में ज्यादा खैर इतना डिटेल्स में जानता नहीं हूं, बट 50 cc तक मेरी जानकारी में फिलहाल कोई भी जो व्हीकल आपको नहीं मिलता जो आप यूज करें। तो कौन से व्हीकल्स आप चलाएं, फिर आप मतलब क्या चलाएं 16 से 18 तक, आपको ट्यूशन जाना होगा या फिर अपने लिए कुछ घूमना होगा, तो आप जो है दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाइए या फिर जो आजकल आ रही है इलेक्ट्रिक साइकिल कम जो पैडल से भी चलती है और बैटरी से भी चलती है, आप वो चूज कीजिए। आपके लिए बेस्ट रहेगा इस उम्र के लिए कि आप जो इलेक्ट्रिक साइकिल्स यूज करिए, आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल रहेगा। जब आपका मन करे पैडलिंग कीजिए और जब आपका मन करे इसको थ्रोटल से चलाइए, 25 की स्पीड तक चली जाती है और काफी मतलब अच्छी रहती है आपके लिए। दूसरा, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चला सकते हैं जिनकी स्पीड जो है 25 तक लिमिट होती है। यहाँ पर मैं आपको कुछ एडिशनल जानकारी देना चाहूंगा दोस्तों, कुछ कंपनियां फिलहाल जो है जो लोकल वेंडर्स है या फिर हीरो की भी स्कूटर्स मतलब कुछ है जो 25 की स्पीड तक रजिस्टर्ड है पर वो 45 तक चली जाती है। तो यहाँ पर मैं भाई इस टाइप के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है बिल्कुल रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा। एज जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया वो 25 km/h तक बनाया, तो आप वही जाए जो 25 km/h तक है, पर मार्केट में जो इस टाइप के प्रोडक्ट मिल रहे हैं जिनको मैं खैर रिकमेंड नहीं करता। एंड बेस्ट तो भाई वही रहेगा जो इलेक्ट्रिक साइकिल्स आपके लिए जो मैंने आपको रिकमेंड कर चुका हूं। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आपके लिए कि आप किस टाइप का जो है लाइसेंस बनवा सकते हैं और किस टाइप के आपके काम में रहेगा। बाकी दोस्तों आपको कुछ एडिशनल जानकारी और चाहिए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और आपको किसी और विषय में वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी दोस्तों फिलहाल की वीडियो जानकारी इतनी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।